हरियाणा के मोगा से है, जहां बिना मंजूरी के प्लाट में की जा रही डेमोलिशन को लेकर दो पक्षों में हाथापाई की खबर है। बताया जा रहा है कि यह हाथापाई प्लाट के मालिक और मोगा नगर निगम के कर्मचारियों के बीच हुई है। दरअसल मोगा नगर निगम के कुछ कर्मचारी एक प्लाट में अवैध तरीके से डेमोलिशन को हटाने के लिए थी गए हुए थे। उसी दौरान प्लाट के मालिक और नगर निगम के कर्मचारियों के बीच विवाद हो गया। नगर निगम के कर्मचारियों ने बताया है कि मोगा में कई जगहों पर अवैध तरीके से कॉलोनियां काटी जा रही है। प्लाट के मालिक ने कार्रवाई में विघ्न डाला है, इसको लेकर कार्रवाई की जाएगी। मैं कानून का कानून मनने वाला आदमी, कानून तो बिना बेकानून कोई काम मैं गलत नहीं करता। जेकर मैं कोई भी प्लॉट खरीद किए और उन्होंने अगे सेल किया तो मतलब कानून के मुताबिक उन्होंने मेरी पार्टियां ये गल हुई भी जेडे भी बंदा इतने उसारी करेगा वो नक्शा पास करावे, कमेटी करते स्कूलों मुताबिक चले, आपका नक्शा पास कराओ तो आपकी बिल्डिंगा बनाओ, चाहे कोई दो मंजिला पास कराओ चाहे तीन मंजिला पास कराओ, भावें कोई उन्होंने चर कोई भी इतने उसारी ना करे, किसी ने भी कोई उसारी नहीं की। मैं ना कोई उसारी नहीं की, मैं सिर्फ आपका रस्ता जरा आपके पिछले प्लाट में बना रहा है। नगर निगम के अधिकारी आए आके सीधे ही आके इन्होंने बुलडोजर मशीन चलानी शुरू करती, उत्थे भी बंदे वालों नवी गलियां पा के इलीगल प्लॉटिंग की जा रही है। तो अज सा डेमोलेशन की ड्राइव सी भी यह है जे जड़े छोटे छोटे प्लाट सब डिवाइड करके कलोनाइजर वालों बिना कलोनी पास कराए इतने कट्टे जा रहे उन्होंने कार्रवाई करनी सी। पहली डेमोलेशन वो सी, दूसरी ये है, अगली भी अजे जारी रहनी सी, पर इतने साइड के मालक वालों विघन पाया गया सरकारी काम के अंदर साड़ी डेमोलेशन काम थोड़ा जहाँ रोकना। हम अगली असी जी कानूनी कार्रवाई है उस संबंधी करने बेनती करती है उच्च अधिकारियों, तो अगे जो भी हुक्म हो हिसाब अगला।